हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो गले की हमें सबसे पहले कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल हमारा गला है, उसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच लेते हैं हम, 2.5 इंच। और यहाँ से हमें जितना भी गले की लेंथ लेनी होती है वो लेते हैं। लंबाई यहाँ से जैसे यहाँ पर 7.5 इंच लूँगी मैं। अब नॉर्मल हमारा इस तरह से होता है, तो ये जो हमारा डिज़ाइन बनेगा इसमें हमें यहाँ पर ये नॉर्मल हमारा 2.5 इंच है, यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये 3.5 इंच हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ जाएगा। या 9 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करूँगी। तो यहाँ से हमें लेना है 0.25 इंच, ये देखिए यहाँ तक इतना लेना है 0.25 इंच, और ये मार्क ऐसे कर देना है। और यहाँ से ये हमने 0.25 इंच लिया है, यहाँ तक इस तरह दोनों को मिला देना है और इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देखिए गला हमारा कुछ इस तरह से बैठा है। अब इसके अंदर हमें डिजाइन बनाना है, तो इसके लिए ये मैंने स्ट्रिप्स ली है। अब यहाँ पर चाहिए 2 स्ट्रिप्स, तो ये हमने ली है यहाँ पर 11.5 इंच ली है, और ये भी 11.5 इंच है, और यहाँ से ली है 4 इंच, ये भी 4 इंच है। 2 स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की। इसके बाद हमें लेस लेनी है इस तरह की, और ये हमारी सीधी साइड है यहाँ पर कपड़े की। यहाँ पर इस लेस को ऐसे रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड में रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमें इस तरह लगानी है, ये हमारा जो बाहर की जो लाइन है इसके बराबर हमारी यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि हमें सेंटर का ही पीस दिखाना है। तो मशीन पर लगाते हैं सिलाई। इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब इस कपड़े को हमें सीधा करना है, तो यहाँ पर एक हमें इस तरह से पिन ले लेनी है, सेफ्टी पिन से। सेफ्टी पिन को ऐसे डालना है। और यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेना है इसको। अब देखिए ये दोनों स्ट्रिप्स हमारी बन के रेडी हो गई है इस तरह से। तो जो सिलाई है हमारी वो अंदर को हो गई है इस तरह एकदम फिनिशिंग के साथ, ये दोनों स्ट्रिप्स बन गई हैं। अब इनको हमें गले के साथ जोड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सूट की ये सीधी साइड लेनी है, और ये हमें इस तरह से ऐसे रखनी है स्ट्रिप्स यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह इतना कपड़ा निकाल के रखेंगे, क्योंकि ये पतला है यहाँ से। अब जैसे हमने ये सिलाई लगाई थी यहाँ से लगेगी सिलाई, क्योंकि हमें यही पार्ट दिखाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और ये दूसरा पार्ट है इसको भी इसी तरह यहाँ पर ऐसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लग गई है। यहाँ पर सिलाई लगने के बाद यहाँ से ये कॉर्नर्स हैं, इन्हें हमें कट कर लेना है। यहाँ पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब ये कटिंग हो गई है सारी। अब इन पीसेस को हमें इस तरह से ऐसे टर्न करना है अंदर को, इस तरह से। ये पीस है इसको हमें ऐसे अंदर को इस तरह से करना है। दूसरा पीस है इसे भी इस तरह अंदर को करेंगे। इस तरह से कपड़े को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से बना है। अब यहाँ पर ये सिलाई है, इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बना है। अब देखिए यहाँ पर भी सिलाई लग गई है और ये हमारा इस तरह से प्यारा सा गला बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं तो थोड़ा और भी अच्छा लुक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये गला बन के रेडी हो गया है।